अगर हमारी होगी तो लाइव होगी, लाइव होगी, लाइव देखो सुपर सेट, सुपर सेट। This does not look good. मेरा वॉलपेपर उखड़ गया है इसकी वजह से। अभी मेरी मम्मी देख के बहुत भड़कने वाली है। Anyways, welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Right now it's 4 o'clock in the afternoon and I'm going through a horrible jet lag. First time in life में jet lag experience कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता jet lag क्या होता है, मैं जब US में रात में सोता था तब यहाँ पर दिन थी। तो जब मैं वापस इंडिया आया और मैं फ्लाइट में ऑलरेडी US टाइम दिन में सो गया था, तो रात में माई ब्रेन डिडंट वांट टू स्लीप, ऑल्दो माई बॉडी वॉज टायर्ड। कैसे तैसे करके मैं सुबह 8:30 बजे सोया। अभी उठाओ, अभी और नींद आ रही थी, बट आई फोर्स मायसेल्फ, नहीं भाई और सो जाऊंगा ना, पूरा मेरे शेड्यूल की लेफ्ट सेंटर हो जाएगी। एक्चुअली ऑलरेडी हो गई है, कोशिश करूंगा एक दो दिन में मैं इसको सॉर्ट कर लूं, वरना तकलीफ हो जाती है। गूगल होम मिनी, सो यूट्यूब या फिर गूगल ने भेजा है ये गूगल होम मिनी। थैंक यू यूट्यूब और गूगल। दिस लुक्स लाइक मीवी रोम, है ना? ऑलमोस्ट द सेम। मैंने कभी भी गूगल होम मिनी या फिर गूगल होम यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है। उसको कैसे करते हैं आई हैव नो आइडिया। आई एम प्रीटी श्योर गूगल जब कुछ बनाता है तो सोच समझ के बनाता है। एनीवेज, थोड़ा चेक करता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो आई गेस आई एम डन। इट सेज प्ले सम म्यूजिक, सेट अप वॉल्यूम टू 70% और स्टॉप। लेट्स प्ले सम म्यूजिक, लेट्स सी क्या म्यूजिक प्ले करता है। ओके गूगल, प्ले सम म्यूजिक। टू हियर दैट ऑन यूट्यूब यू नीड टू साइन अप फॉर यूट्यूब म्यूजिक प्रीमियम। इन द मीन टाइम हियर्स सम म्यूजिक ऑन गूगल प्ले म्यूजिक। यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क व्हाट सॉन्ग इज दिस। हाउ कूल। Copyright alert. Okay Google, what's the weather like today in Mumbai? In Mumbai today, it will be clear with cloudy spells with a forecast high of 33 and a low of 26. Ye sahi ho gaya abhi aage. Currently it's 32 and mostly sunny. Mostly sunny. जेट डेविस के साथ क्या हुआ, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को तो मालूम ही है। इट्स वेरी सैड टू सी दिस। कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्ट हो गया था कि ये हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो गया। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो लोग अचानक जॉबलेस हो गए, अभी उन लोगों को जॉब ढूंढना पड़ेगा, स्पेशली जो कि शुरू से जेट डेविस को सर्व करते आ रहे हैं। एट अ सर्टन एज आपको जॉब नहीं मिलती, एंड मैं काफ़ी वीडियोज़ देख रहा हूँ जहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए और वो मांग रहे हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब है, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप मदद करो। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा पता नहीं, क्या पता जेट डेविस शुरू होती भी नहीं होती है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हुई है ना। प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस। सुनने में आया कि जब नरेश गोयल जी ने स्टेप डाउन किया तब SBI 1500 करोड़ का लोन देने वाली थी, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। बाद में 1000 करोड़ का लोन अपील किया, वो भी रिजेक्ट कर दिया। दैट इज द रीजन जेट डेविस टेम्परेली सस्पेंड हो गई है। अब ऐसी सिचुएशन में जेट डेविस का कमबैक करना क्लोज टू इम्पॉसिबल लग रहा है। अब यहाँ पर पब्लिक में दो बातें चल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है, मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा। पहली, गवर्नमेंट शुड इंटरफीन टू सेव जेट डेविस, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जेट डेविस को बचाने के लिए। दूसरी, कब तक पब्लिक का पैसा प्राइवेट एंटिटीज को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा? पब्लिक का पैसा इस्तेमाल मत करो, बिजनेस में नुकसान फायदा चलते रहते हैं, जॉब की गारंटी वैसे भी नहीं देती। आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और एक चीज, एयरलाइन के बिजनेस में पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम होता है। अपनी जो एयर इंडिया है उसको हजारों करोड़ों का नुकसान होता है हर साल, जिसका भुगतान हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से होता है, ऐसा मैंने इंटरनेट में देखा है। जेट एयरवेज प्राइवेट नहीं होकर पब्लिक एयरलाइन होती तो गवर्नमेंट ने कब का उसको बचा लिया होता। तो अभी अपन जा रहे हैं मेरे यार की शादी में, एक्चुअली मेरे यार की रिसेप्शन। फिट लग रहा है। देवो भाई ने शादी कर ली है, उनका रिसेप्शन है। हेलो, हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? तो शादी रिसेप्शन में कैमरा लेके जाने का बड़ा टेंशन आता है। भैया मेरी फोटो खींचो। कोई बोल ना दे भाई फोटो खींच दो। मेरी और इस बच्चे की फोटो खींचो। नहीं, इमेजिन करो ब्लॉग करो। ए भाई साहब जरा फोटो खींचो। क्या इज्जत का फालतू है। एक्सक्यूज मी, आई एम 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन YouTube। गोयम आर यू खाजा मतलब। और ये आशीष और मेहुल पानी पूरी की लाइन में लगते हुए चालू नहीं हुआ। बैड न्यूज मिल गई, पानी पूरी चाट काउंटर चालू नहीं हुआ है। बहुत बुरा हुआ। बॉम्बे की भाषा में बोलूँ तो सब पुराने चावल लोगों से मिल रहा हूँ, बातें बातें हो रही है, अभी भूख लग रही है, खाना खा के आई नहीं है। आशीष को चक्कर आने वाला है थोड़ी देर में। इंग्लिश में बोलेंगे तो आशीष को ना ईट अप मेहुल मीठा मीठा। मेरे को क्या तीखा जमता नहीं है, आप लोगों को मीठा पसंद है। देखो वो लास्ट सैटरडे पूरा हफ्ता डाइट किया, आज छोड़ा अपन खाएंगे। हो गया, अभी पानी पूरी खा के पेट नहीं भरना, ऊपर खाना खाते। अबे मीठा था कि तीखा था? शुरू में खाया तो मीठा लगा, अभी मेरी जबान जल रही है। ये क्या है? फ्रूट पंच। लाओ लाओ, सब लाओ। हाँ, अब हम खाएंगे। यू कैन गो बैक।
मेहुल कब से वेट कर रहा था, हम लोग आएंगे तब जाएगा ये। थैंक यू मेहुल सीट पकड़ने के लिए। खाना हमेशा शुरुआत में खा लो, मेरे को लगता है टिपिकल एक शादी का सीढ़ी आता है वो लगाते हैं वही बजाते हैं। एम्बियंस के लिए लो वॉल्यूम में बजाना चाहिए ना, मैं पब्लिक बात नहीं कर पाता, गॉसिप करने के लिए होता हूं। खाना अच्छा नहीं है क्या, आवाज में दब जाए। आज तो नो होल्ड बार है, रबड़ी जलेबी एंड आइसक्रीम। और आशीष देखो पूरा कटोरी में भर के लेकर आया, हम प्लेट में लेकर कटोरी में लेकर चीटिंग है। कटोरी इज द वे टू हैव रबड़ी। मैं ना देबू की हालत कम्प्लीटली समझ सकता हूँ। मैं और देबू सेम मेंटालिटी की, अपने को ये सब तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, करनी है तो करनी है, सबको गुजरना पड़ता है सब चीजें, है ना जुनैद भाई? राइट, गुजर चुके हैं हम नहीं गुजरेंगे, हम अलग स्टाइल में करेंगे। अगर हमारी होगी तो लाइव होगी, लाइव होगी, लाइव देखो सुपर सेट, सुपर सेट। और एक खतरनाक वाला व्लॉग वो तो होगा ही भाई, द डेजिग्नेटेड यूट्यूबर टू गेट मैरिड। पान दिख रहा था, पान खाया, पान लगा रहेगा। फाइनली अभी लोग कम हुए तो हम जा रहे हैं भाई से मिलने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और मुझे पता है मेरे लेंस के यहाँ पर थोड़ा कचरा है, वो बाद में साफ करेंगे। कतार में भाई को मिलने के जुनैद भाई की तरह खुश रहे, एंजॉय राइड्स करते रहे। अरे राइड छोड़ो, मिलते रहे, आदमी मिलता नहीं है। तो साफ हो गया ना, ऐसे लग तो रहा है साफ होगा। अगर आपको फिर भी कोई दाग धब्बे दिखे तो प्लीज कमेंट कर देना ताकि हम लोग वापस उसको साफ कर दे। अभी आशीष के घर पे आए हम लोग, उन लोग सब बिजी हो गए उन लोग की आफ्टर पार्टी में। एंड रीजन वी आर हियर बिकॉज अभी A7R3 का एक फर्मवेयर अपडेट आया और अपडेट का सबसे बड़ा फायदा ये कि हम लोग टाइम लैप्स अच्छी तरीके से निकाल सकते, जैसे ATD में निकाल सकते थे। इंटरवलोमीटर ऐड हो रहा है क्या? इंटरवलोमीटर, इंटरवलो मतलब अच्छी तरह अच्छा टाइम ले सके। चलो देखते हैं। What's happening guys, welcome back to another video. तो नहीं होगा आशीष, नहीं होगा, बहुत बड़ा पोपट हो गया, अपडेट नहीं हुआ। एक्चुअली अगर अपडेट करना है तो कैमरे को पीछे से कनेक्ट करना पड़ता है विद द ओरिजिनल केबल व्हिच केम इन द बॉक्स। वी ट्राइड विद द बेटर एंड एक्सपेंसिव केबल, लेकिन भाई अपडेट बोलता है कि नहीं, तुमने खर्चा किया है, डब्बे में से केबल निकालो और कनेक्ट करो। तो अभी वो कल होगा, फिलहाल वसीम आया है, वसीम खाना खा रहा था अभी। वसीम ने कैमरा देखे, खाना बाजू में रख दिया, बड़ी रहते तो लो आ रहे। चलो फिर मस्ती करेंगे, करो करो जल्दी करो मेरे भाई। पिछले एक घंटे से हम लोग एवेंजर्स एंड गेम की टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बुक माई शो बोलो, पेटीएम बोलो, सब कुछ एकदम लैग और क्रैश हो रहा था। फाइनली क्या अभी किससे कर रहा है? बुक माई शो, बुक माई शो में है नहीं, है रे हो रहा है मेरा, वो गंदे फोन से नहीं हो रहा है मेरा। एवेंजर्स एंड गेम ऐसी मूवी है ना, अगर पहले दिन नहीं देखी ना दूसरे दिन तक चारों तरफ से स्पॉइलर्स की बरसात हो जाएगी, फिर देखने में उतना मजा नहीं आएगा। आएगा तब भी, लेकिन फिर भी पहले दिन देखना बेटर है। तो अगर आप भी एवेंजर्स के फैन हो तो पहले दिन ही देख लो। वी हैव अ सिचुएशन हो रही है, रात के 2 बज रहे, हमको घर जाना है और एक्सेस की चाबी हमको नहीं मिली। जितना मुझे लास्ट में याद है, मैंने आशीष को चाबी दी थी एक्सेस पार्क करने के लिए और आशीष ने घुमा डाली। नहीं नहीं, होगी होगी, ये गाड़ी में रखी हुई शायद। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, आज रात को हम घर जा रहे हैं। वैसे भी जाते हैं, गाड़ी है, उबर है, सब है, वसीम है, पार्किंग नहीं है। कल जो हमको बहुत ज्यादा काम है, तो वसीम और आशीष मेरे घर पे चल रहे हैं, वहीं पर लोग सोने वाले हैं। तो अभी मेरी एक्सेस में आशीष बैठेगा, लेकिन एक्सेस के टायर में हवा कम है, अभी हवा भरनी है। ऑल्दो इसमें सिगरेट लाइटर पोर्ट चार्जर जो भी बोलते हैं वो है, लेकिन फॉर सम रीजन वो जो हवा भरते हैं वो मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही, अभी लोड ज्यादा लेती है। और अभी यहाँ से भरेंगे, टेंशन ही लेने का, भर रही है हवा। I'll tell you good to know stuff about Access. Access है ना, मैक्सिमम 200 किलो का वजन झेल के चल सकती है, और मेरा और आशीष का वजन मिला के 200 के ऊपर है, इसीलिए हम लोगों ने सेफ्टी के लिए हवा भर दी। एंड ऑल्सो द रीजन आई एम वेयरिंग पिंक कलर का हेलमेट बिकॉज मेरी एक्सेस दूसरे घर में पार्क थी जहाँ पर हेलमेट नहीं था और मुझे जल्दबाजी में निकलना था, करके मैंने अपनी बहन का हेलमेट पहन लिया। पिंक है, अजीब लग रहा है, लेकिन सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं है कि नहीं। हेलो, तो ये हो गया है अपना सेटअप। यूजुअली आप लोगों का मेरी आवाज़ इतनी क्लियर आती है जब मैं इतना नजदीक होता हूँ, तो इतना दूर जाने के बाद क्या मेरी आवाज़ इतनी क्लियर आती है, और जब मैं इतना दूर होता हूँ तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ इतनी क्लियर आती है। मैं जोर से क्यों बोल रहा हूँ, मैं धीरे बोलूँगा तब भी लोगों को मेरी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगी। बेसिकली जो मैंने नया माइक लिया था न्यूयॉर्क से, वो सेटअप हो गया है और वो कुछ इस तरह दिखता है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत छोटा है। हम आपको बाद में बताएंगे, विस्तार में इसका वीडियो बनाएंगे, ऐसा कैसा यूट्यूबर कंटेंट छोड़ देगा। So, आज के लिए इतना ही रखते हैं। If you enjoyed this video, then don't forget to hit the like button. नहीं हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके जाना, वरना बार बार आके देखते रहोगे। So, with that said, thank you very much for watching this video. As always, Shukran, Alvida, Masalama, take care and do whatever you want. बाय बाय, मिलते हैं कल। बहुत कम मौका मिलता है बोलने का, इंट्रो आउट्रो आउट्रो। एक बार फिर से नजदीक से देख लो।
अभी इससे पहले कुछ सोचो, मैंने आशीष को ऑडी बेची नहीं है, मेरे यहाँ पर अभी भी रोड बन रहा है, वरना लोगों वाले का लगता है निखिल मैंने ऑडी बेच डाली। हाँ एक्चुअली, अरे हाँ टाइटल रखोगे, आई गिफ्टेड द ऑडी टू आशीष, वो वाला क्लिकबेट फिर कभी के लिए रखते हैं।